और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक चिकन ब्रेड की रेसिपी जो बहुत मजेदार होगी, लेकिन आज हम उसको बनाएंगे बेकरी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेड की डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो 2.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें होता है, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर है, 1 अदद अंडा, और इसके भी हम एक सॉफ्ट डो जो है वो तैयार करेंगे। और मैंने यहाँ पे गरम दूध लिया है, ये हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इसमें शामिल करके इसकी सॉफ्ट डो जो है वो तैयार करेंगे। अगर दूध नहीं तो अगर आप पानी भी यूज़ करें तो उसको भी हल्का नीम गरम जो है वो कर लीजिएगा। उससे ये है कि नीम गरम दूध या पानी से हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी जो है वो तैयार होगी। हमें डो को बहुत अच्छे से जो है वो नीट करना है, कि जितना ज़्यादा इसको हम नीट करेंगे उतनी ही अच्छी डो जो है वो हमारी तैयार होगी। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसको अच्छे से हम ऑयल से जो है वो ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जब डो हमारी राइज हो तो इसके किनारों पे जो है वो चिपक ना जाए। और अभी हम डो को इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर भी हम ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, ताकि ऊपर से हमारी डो जो है वो ड्राई ना हो जाए। और अभी हम इसको कवर कर देते हैं 30 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये राइज हो जाए। तो चलें जी, इतनी देर में हम अपनी चिकन की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है और 1 प्याली के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को इसमें फ्राई करते हुए और थोड़ा कलर चेंज हो गया है। थोड़े मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और इसमें हम अभी ऐड करेंगे वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं तो इसकी जगह पे ब्लैक पेपर भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। नमक 1/2 टीस्पून, ओरिगेनो, और मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला पेस्ट के लिए। इसको मिक्स करते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, इससे इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे अदरक पाउडर, अगर नहीं है तो फ्रेश भी जो है वो इसमें डाला जा सकता है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, प्याज और शिमला मिर्च, इससे भी जो ब्रेड है जब इसमें हम फिलिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत कलर जो है वो उसमें आएगा। और इसको भी 1 मिनट के लिए हम इसमें जो है वो फ्राई होने देते हैं। और सब्जियों का कलर हमने बहुत चेंज नहीं करना, इसीलिए हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ ही जो है वो इसको पका लेंगे और बस फिर हमारी फिलिंग जो है वो तैयार है। तो अभी इसमें हम 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैदा जो है वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करते हैं। और यहाँ पर 1/2 प्याली के करीब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन भी जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। वैसे तो फ्राई करने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर जो है वो इसमें रह जाएगी, तो वो जब हम इसको कवर करेंगे तो उसमें जो है वो ये और अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन फिलिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी जो है वो रेडी हो गई है। और अभी आखिर में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो शामिल कर देते हैं और चूल्हे को हम बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 45 मिनट हो गए हैं डो को कवर किए हुए और डो भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी एक दफ़ा हम इस तरह से भी इसको नीट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं नीचे भी और इसके ऊपर भी। और अभी हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमने करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसकी रोटी जो है वो तैयार करेंगे, कितनी मोटी रखेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से डो को हमने बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इतनी मोटी हमने जो है वो इसको रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो टिफ़िन का एक लिड ले लिया है, मैं इससे इसको काट रही हूँ। अगर आपके पास कोई और शेप का या साइज़ की कोई भी चीज़ हो तो आप उससे भी इसको जो है वो काट सकते हैं। ये देखिए, अभी इसके ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा डो है वो हम इस तरह से उठा देते हैं और बाकी भी जो डो हमारे पास बची है हम उसके भी इसी तरह से ही जो है वो कटिंग करके तो अपने पास रख लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दो पीस मैंने ले लिए हैं। इन दो पीसेस से हम एक मज़ेदार ब्रेड जो है वो तैयार करेंगे। एक हिस्से में हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर जो है नाइफ की मदद से इस तरह से छोटे छोटे जो है वो कट्स लगा देते हैं और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 170 सेल्सियस पर। तो मैं तो इसको अवन में बेक करूँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो इसको कढ़ाई में या पतीले में भी जो है वो बेक किया जा सकता है। पतीले की नीचे वाली पर्ट में जो है वो नमक जो है वो बिछा के और उसको उसके ऊपर कोई स्टील का सिल्वर का कोई ढक्कन रख दें, कोई उसके ऊपर स्टैंड रख दें और उसको 15 से 20 मिनट के लिए उसको प्री हीट होने दें और उसके बाद जो है ये जो ब्रेड है वो आप उसके अंदर रख दें तो तब भी आपकी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी जो है वो तैयार होगी। तो ये देखें, यहाँ पे जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की थी वो मैंने इसके अंदर फिल कर दी है और अभी यहाँ पे इस तरह से अंडा मैंने लिया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी जगह पे दूध पानी से भी इसको जो है वो हम बाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह करने से ये अच्छी जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना वरना जब ये ब्रेड फूलेगी तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अभी इसके ऊपर भी हम जो है वो इस तरह से अंडा जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो डो मैंने बचाई थी उसमें से भी जो है वो मैंने दो पीस जो है वो निकाल लिए हैं और अभी यहाँ पे ये मेरे पास जो डो है इसमें से एक्स्ट्रा हम इस तरह से जो है वो बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो है वो काट लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम इसका करेंगे। तो जिस तरह के हम बेकरी स्टाइल जो है मज़ेदार चिकन ब्रेड जो है वो तैयार कर रहे हैं तो उसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसका भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से हम दो पीसेस के लेके तो इस तरह से आपस में इनको जोड़ के या लपेट के हम एक जो है वो स्ट्रिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से हल्का सा जो है वो रोल कर लेते हैं। तो लीजिए, इस तरह से भी जो एक्स्ट्रा डो हमारे पास बची है उसको इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो मैदे की हमने स्ट्रिंग बना के रखी है वो इसके ऊपर इस तरह से साथ साथ हल्का सा हम इसको रोल करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर जो है वो बाल आ जाएं और साथ साथ हम इसको इस तरह से कवर करते जाएंगे। लीजिए, इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और हल्का से इसको प्रेस करेंगे क्योंकि नीचे हमने अंडा लगाया है, उसकी मदद से ये बहुत अच्छे से इसके साथ जो है वो चिपक जाएगी। और अभी इसके ऊपर हम दोबारा से जो है वो अंडा जो है वो कोट कर देते हैं। अंडे से जो है वो इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सेसमी सीड्स हैं, कलंजी हो, जो भी हो वो आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है, इसी तरह बाकी भी जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड जो है वो रेडी है बेक होने के लिए। तो चलें जी, मज़ेदार ब्रेड को बेक करते हैं और गरम गरम फिर इसको सर्व। तो फ्रेंड्स देखिए, फुल बेकरी स्टाइल की हमारी चिकन ब्रेड जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कि कैसी खूबसूरत जो है वो ब्रेड तैयार हुई है और अब हमें बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही बनाएंगे और मज़े करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार बेकरी स्टाइल की चिकन ब्रेड जो है वो तैयार है। एक डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।